दोस्तों लंबे समय से न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लगभग 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, काफी बड़ी खबर यहां पर, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से अधिक न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हुई, और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहें आप इस वीडियो से, वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। तो दोस्तों यहाँ पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने अपने आखिरी कैबिनेट बैठक में भी केंद्रीय कर्मचारियों को कोई खुशखबरी नहीं दी। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस उम्मीद में थे कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार उन्हें वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनकी उम्मीद पर पानी यहाँ पर फिर गया है। तो दोस्तों सरकारी कर्मचारी जिस अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहे थे आखिरी कैबिनेट बैठक में, उसे लेकर कोई खुशखबरी यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिल सकी है। और आखिरी कैबिनेट बैठक होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव की जो तारीख है उनकी घोषणा करेगा, जिसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। और सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए पिछले कुछ दिनों पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी, जो कि एक सरकारी कर्मचारी का हक बनता है। तो यहाँ पर सरकार ने किसी भी तरीके का जो फायदा कर्मचारियों को नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारियों की मांग थी कि उनको महंगाई भत्ते के बजाय मूल वेतन में बढ़ोतरी का बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करना सरकार का एक ड्यूटी है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाना ही है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देकर खुश कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कर्मचारियों में नाराजगी है। सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए पहले से ही विरोध प्रदर्शन और धरने पर उतर आए हैं और वो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार की इस बेरुख की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी का आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, ये देखना होगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर, क्योंकि अब कैबिनेट की आखिरी मीटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है और अब इस मीटिंग के बाद में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो सरकार आचार संहिता लागू होने के बाद में किसी भी तरह की घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की में बढ़ोतरी की जो उम्मीद है उस पर लगभग पानी फिर चुका है, और किसी भी तरीके की बढ़ोतरी यहाँ पर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, खबर अच्छी नहीं लगी होगी लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।